हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ करना है सो, ठीक है। सो करना है आपको कि क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई 64। देखिए, जब सो करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं। उसके बाद हम राइट साइड को लेते हैं और उसको सॉल्व करके एक वैल्यू लाते हैं। यदि दोनों वैल्यूज़, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़, दोनों यदि इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि वी हैव प्रूव्ड, राइट। या फिर हम कहेंगे कि हम सो कर लिए हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पहले लिख लेंगे टेकिंग LHS। सो LHS इज इक्वल टू क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे पहले और इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है आपको 2764 का, तो फैक्टराइज कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पेयर बना सकते हैं, ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ 2 और 2 का दो ही ट्रिपलेट बन रहा है, सो 3 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिला 3 6, 6 12, मतलब कि आगे हमारा LHS 12। नाउ RHS इज इक्वल टू, आप निकालोगे क्यूब रूट इसका 27 मल्टीप्लाइड बाई 64, ठीक है, इतना मिल जाएगा। हम निकालेंगे, बनाएंगे यहाँ पर ट्रिपलेट, यहाँ बन गया, ये बना और ये बना। सो हम क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे एक एक नंबर, 3 इंटू इसका हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2, हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है, तो यहाँ लिख लेंगे सेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इतना हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई 64। सो वी हैव सोन दिस। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो लेंगे पहले टेकिंग LHS, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 का हो जाएगा 2 6 टाइम्स, 729 में 3 जो है 6 टाइम्स आएगा, राइट। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि ट्रिपलेट बनाना है, तो यहाँ पर ये बना, एक एक बाहर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिलेगा आपको 2 4 4 3 12 12 3 6 36। ओके, नाउ टेकिंग RHS, तो यहाँ पर निकालेंगे पहले अलग से 64 का क्यूब रूट, जो कि आप जानते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप इसके प्राइम फैक्टर से लिखें, बल्कि आप 4 के ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4, ये 64 होता है। आपको क्या करना है, बस ट्रिपलेट बनाना है। तो यदि सेम नंबर्स के ट्रिपलेट बन जाते हैं तो यू कैन डू दैट। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं इस तरीके से 9 × 9 × 9, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 × 4 का ये एक ही 4 निकलेगा, 4 × 9, 4 9 36। सो वी हैव सोन नाउ इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सिमिलरली वी विल डू द थर्ड वन। ओके, तो अब यहाँ करेंगे टेकिंग LHS। यहाँ पर पहले माइनस को बाहर कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि माइनस को बाहर लेकर के ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं। मीन्स इसको आप लिख लेंगे इस तरीके से, माइनस को बाहर ले लीजिए, मतलब ऐसे लिख लीजिए, और इन सभी को ब्रैकेट में कर लीजिए, 125 × 216, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर दीजिए, क्यूब रूट ऑफ, यदि आप फैक्टराइज करेंगे माइनस अंदर ही, तो मिलेगा आपको ये 5 × 5 × 5 × यहाँ 216 करेंगे तो मिलेगा आपको 6 × 6 × 6, ठीक है। आपको केवल 3 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में बस लिखना है, 3 मतलब ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, राइट। यदि आप चाहेंगे तो 6 को 2 × 3 भी कर सकते हैं, 2 × 3 × 3, मतलब कि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्यूब से बाहर ही निकालना है। तो सिंपली आप ट्रिपलेट्स बना लीजिए, यहाँ से देखिए 5 निकलेगा, यहाँ 6 निकलेगा, लेकिन ये माइनस है, ठीक है ना। तो इस क्यूब रूट से बाहर माइनस हम निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ दिस 5 × 6 मीन्स मिल जाएगा आपको 30। ओके, नाउ टेकिंग RHS सेपरेटली, हम यहाँ पे क्यूब निकालेंगे 3। देखिए, यहाँ पे -125 को लिखेंगे यदि 3 नंबर्स के फॉर्म में, तो देखिए आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, -5 × -5 × -5, ठीक है, -5 × -5
इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव, ठीक है। यदि ऐसा करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा फाइनली, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, राइट। तो ऐसा भी ट्रिपलेट बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर आप ट्रिपलेट बनाएंगे तो निगेटिव का ही बनाएंगे, मतलब तीन ही बार बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे कर लिए, जैसे कि अभी मैं कुछ एक दूसरे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, यहाँ पर कर लीजिए 216 हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ से ट्रिपलेट में से एक बाहर निकालेंगे माइनस फाइव निकलेगा इंटू यहाँ से निकलेगा 6, तो हमारा हो जाएगा 5 से 30, मतलब कि माइनस 30। तो हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। सो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस 125 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1000, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और जो नंबर आएगी उसको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करिए कि इसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिख लीजिए माइनस के फॉर्म में और इसको भी फिर सॉल्व कर लीजिए। तो मतलब कि देयर आर मल्टीपल वे ऑफ थिंकिंग हियर। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 125000, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे जब तो 125 लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × ये देखिए वहाँ पर 1000 है, तो 1000 को आप लिख सकते हैं और एक जीरो को लेकर के आप 2 × 10 कर सकते हैं, 2 × 5 मतलब 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 5, देखिए यहाँ 10 हो रहा है, ये भी 10 है और एक और 10 होना चाहिए 2 × 5, ठीक है। तो ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंपल, आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए यहाँ पर ये बना और ये 5 और ये 5 और ये 5 का बन गया, और देखिए यहाँ पर 5 मिला 5 × 2 × 5, तो हमारा मिल गया है 5 × 25 5 × 25 = 50। सो 50 इज योर आंसर फॉर एल एच एस, ओके ऑफकोर्स। नाउ देखिए इसमें करके सकते हैं आप, पहले यहाँ निगेटिव को बाहर कर लीजिए, ठीक है, माइनस ऑफ दिस कर सकते हैं आप, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कर सकते हैं माइनस को बाहर, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस ऑफ बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट है आपका 1000, ओके। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना डेफिनेटली, और यहाँ पे क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, तो 125 क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 × इसका क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है 1000 का, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, फिर बाद में यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस था पहले से ही, 125 का क्यूब रूट होगा 5 और माइनस पहले से था यहाँ पर माइनस, और 10 का यहाँ पे 1000 का क्यूब रूट क्या हो गया, 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 10 = 50, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को जरूर और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ओके। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।